एडआरयू सीसी मेंबर सुनील आचार्य ने भोपाल मार्ग पर अकोदिया स्टेशन का भ्रमण कर रेल यात्रियों और रहवासियों से वार्तालाप कर सुझाव लिए। रेल की बेहतर सुविधाओं के लिए सुनील आचार्य ने कहा कि भारत सरकार रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए रात दिन मेहनत कर अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने का प्रयत्न कर सबका साथ सबका विकास का नारा सार्थक कर रही है। पूर्व स्टेशनों से अब बेहतर स्टेशन बन रही है। सर्व सुविधाओं से लैस स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। कभी से ही बंद है। बंद क्यों रखते हो दिव्यांग? फिर क्या इसको अपन ऐसे ही रखा है कि बंद कैसे? नहीं, जैसे कोई आते हैं ना बोलने उनको चाबी दे। अब उनको कैसे पता चलता हुआ कि भाई हमें ये चाबी देंगे? वो तो छोड़ के चले भैया। ऑफिस में आते हैं ना ऐसे कौन आएगा? ये तो नहीं करना चाहिए क्योंकि लेट बात तो वो चीज़ होती है ना। इसको फ्री रखना है। अब वो जिसको लगेगी वो जब तक होगी तब तक वो कहाँ जाएगा? वो जो एक्टिव होते हैं वो तो चले जाते हैं, जो एक्टिव नहीं होते वो कैसे क्या करेंगे, है कि नहीं? परिचय दे सर। मैं सुनील आचार्य, जेडआरयू सीसी मेंबर, जबलपुर जोन। सर, आज आप अकोदिया रेलवे स्टेशन पर आए, यहाँ पे आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ पाया सर आपने? आज मेरा जेडआरयू के नाते मेरा यात्रियों की बहुत शिकायत आ रही थी पिछले कई महीनों से, और उसको लेकर मैं आज स्टेशन का भ्रमण किया, जहाँ देखा कि दोनों प्लेटफॉर्म पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल प्लेटफॉर्म एक पर एक वाटर कूलर चला हुआ है, जबकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत लंबा चौड़ा है। प्लेटफॉर्म नंबर दो का भी मैंने भ्रमण किया, जहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है, गोबर वगैरह पड़ा हुआ है, कोई भी नल चालू नहीं है। और जैसा यहाँ यात्रियों ने मुझे बताया कि कोविड के पहले बहुत सी गाड़ियाँ चलती थी, जिससे हमारे व्यापारी वर्ग का आदमी, छात्र छात्राएँ, पढ़ने वाले बच्चे अपने इस गाँव से अपने शहर को जाते थे, पास के गाँव से, और कुछ ऐसे मजदूर लोग भी थे जो इस गाँव से जाते थे शहरों में अच्छी मजदूरी करने के लिए। लेकिन कोविड के बाद जो गाड़ियों को बंद किया है तो सभी वर्ग का यात्री बहुत परेशान हो रहा है। तो इन लोगों का यही है कि जो कोविड के पहले जो यहाँ पर गाड़ियों का ठहराव था, उन गाड़ियों का ठहराव पुनः किया जाए, जिससे हमारा सवय जो सर्व वर्ग है वो सभी सुविधायुक्त हो, लाभान्वित हो, और हमारे सारे जो व्यापार जो भी चलते थे वो सुचारू रूप से चलने लगे। ठीक है सर, आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे सभी को? मैं मेरी जो अगली माह की जो मीटिंग है जेड आर सी की, और इस अकोदिया स्टेशन के संबंध में मैं अपने जो हमारे अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके समक्ष इस बातों को रखूंगा, और मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि अकोदिया स्टेशन को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो पूरी यहाँ यात्रियों को मिले।